सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लीगल मैगजीन दैट इज एक्यूज क्यूरिस नेमिनम ग्रेवीत. इट इम्प्लाइज दैट नो वन शुड बी परमिटेड टू लैंग्विश और सफर ओवर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द कोर्ट. दिस इज अ सिग्निफिकेंट लीक लेटिन मैगजीन ऑफ इक्विटी विच हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन द सबॉर्डिनेट एज वेल एज हायर लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया. द रूल इज व्यूड एज मेजर फंडामेंटल इन द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम एंड लीगल जुरिस्प्रूडेंस. दिस मैगजीन इज इन बेसिक वर्ड इंटेंड्स दैट इफ एनी मिसफॉर्च्यून और लॉसेज इज एंड्योर्ड बाई अ प्रोसिक्यूटर और अ लिटिगेंट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ द कोर्ट, इट रिजल्ट इन टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू रीस्टैब्लिश और रीस्टोर द मैटर एज इट वुड हैव बीन बिफोर द मिस्टेक ऑफ कोर्ट. दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़, अगर कुछ भी कोर्ट के थ्रू कुछ भी गलती हो जाती है किसी भी मैटर में, कोई केयरलेसनेस हो गई, कोई नेग्लिजेंस के कारण कुछ भी मिस्टेक हो गई कोर्ट से, तो कोर्ट को सारी चीज़, कोर्ट के अंदर ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उसको पूरे मैटर को रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको पूरे मैटर को ठीक करना पड़ेगा जैसे वो गलती से पहले था. तो यही कहने का मतलब है इस लीगल मैगजीन का कि एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन, कि अगर कुछ गलती कोर्ट से हो गई तो वो किसी भी पर्सन को उस चीज़ का सफ़र नहीं करना पड़ेगा, उसका लॉस नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट के पास फिर ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उसको चीज़ें ठीक करनी ही है, जैसे मैटर पहले था बिल्कुल वैसे ही रखना है, बिफोर द मिस्टेक जो मैटर था वैसे ही उसको वापस ठीक करके देना है. एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन. प्रेजुडाइज मीन्स भेदभाव, पार्शियलिटी. अगर कोर्ट का कोई एक्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को भाई मिल गई, भाई ठीक है कोर्ट ने करा कोई बात ही नहीं. अगर कोर्ट ने भी गलत किया है तब भी ठीक होना है, और कोर्ट ने नहीं किया है तो भी ठीक होना है, और कोर्ट के कारण अगर कोई गलती है तब भी वो रिस्टोर होगी. सो दिस मैगजीन एक्टिस एक्ट्यूस क्यूरे नेमिनम ग्रेवीत एंड एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन. सो आई होप दिस मैगजीन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई विल कम बैक विद सम मोर लीगल मैगजीन. टिल देन गुड डे.